आप सभी विद्यार्थियों को सर्वप्रथम तो सुप्रभात। आइए हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक तथ्य है, अलंकार एक टॉपिक है, जिस अलंकार के अंतर्गत हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के साथ हम लोगों ने एक चीज़ और ध्यान दिया था कि ये उभया अलंकार क्या होता है। उभय का अर्थ होता है, जैसे आप लोग इंग्लिश में एक शब्द पढ़ते हैं बोथ, या दूसरे तरह से अगर कहें टू इन वन, तो शब्दालंकार के भी गुण जिसमें हों, अर्थालंकार के भी गुण जिसमें हों, उनको उभय अलंकार कहते हैं। अलंकार की बात जब आई तो मैंने आपसे चर्चा की थी कि जिस तरह से किसी मूर्ति के लिए, किसी स्त्री के लिए सुंदर होने के बावजूद उसमें कुछ आभूषण जोड़े जाते हैं, पहनाए जाते हैं, उन आभूषणों से उसको युक्त किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से काव्य शब्दों का एक रूप है। उन शब्दों से अर्थ भी निकलता है, यह भी उसकी एक विशेषता है। लेकिन उस शब्दों को रखने का ढंग इतना सुंदर हो कि वो आपको आकर्षक लगे, अधिक आकर्षक लगे, तो ये शब्दों को रखने का ढंग जो आकर्षक लगा वो ढंग ही अलंकार है। यानी उस काव्य को जो सजाया गया, डेकोरेट किया गया, बेहतर बनाया गया, आकर्षक बनाया गया, वह आकर्षण का जो कारण है वह ही अलंकार है। अलंकार का अर्थ आभूषण होता है। आभूषण क्यों पहनाया जाता है? ताकि किसी व्यक्ति, वस्तु, मूर्ति, स्त्री की सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाए। तो इसी क्रम में हम जानेंगे रूपक अलंकार क्या है। मैंने आपको उपमा अलंकार में इन चारों तथ्यों के बारे में समझाने की पूरी कोशिश की थी, जिसमें उपमेय था, उपमान था, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है और वाचक शब्द क्या है। उपमेय, उपमेय का अर्थ है उपमा करने योग्य, यानी जिसकी तुलना की जा सके। वह आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी टहल रहे हैं, सारी चीज़ें आपको नहीं अच्छी लगेंगी, उसमें कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी, और जो चीज़ें अच्छी लगेंगी उनको आप किसी पहले से प्रसिद्ध वस्तु से बराबरी कर बैठेंगे। तो ये जो बराबरी की, ये हुई उपमा। तो और वो जो उपमा है, यह जब काव्य में की जाती है तो इसको तुलना, उपमा तुलना एक ही बात है, तो उपमा अलंकार हो जाता है। जैसे आप किसी नन्हे बच्चे की हंसी को देख करके बोल दिए, अरे फूल सा खिल उठा, तो फूल खिल करके भी आकर्षण का केंद्र बनता है। बच्चा हंस करके उसके चेहरे की हंसी खुशी जो है वो भी आकर्षण का केंद्र बन रही है, यह आपने तुलना किया। किसी को अधिक सुंदर देख के आपने कहा चांद सा चेहरा, सा माने समान, तो चांद ये हुआ उपमान, क्योंकि चांद सुंदर होने के लिए बहुत पहले से प्रसिद्ध है। सा माने तरह, चेहरा माने फेस, चेहरा, तो ये चेहरा जो है चांद सा सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, काफ़ी क्यूट है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी प्रभावशाली है, किसी को भी अपने तरफ खींच लेने में पर्याप्त है आकर्षण उसके अंदर, तो वो उपमा हुई। लेकिन जैसे चांद सा चेहरा जब आप बोलेंगे तो सा माने बराबर, इक्वलिटी दिखाने वाला अर्थ दे रहा है सा, तो वो सा की जगह अगर खाली कर दी जाए, बोला जाए चंद्रमुखी या चंद्रमुख, तो जब बोलेंगे चंद्रमुख यानी चांद ही मुंह है, यानी मुंह ही चांद है, जब आप बोलेंगे मुंह ही चांद है यानी मुख इतना सुंदर है बिल्कुल चांद लग रहा, अलग लग ही नहीं रहा है, इसी को कहते हैं अभेद होना, अंतर न रह जाना। तो जब अभेद होता है, अभेद आरोप ही रूपक है, जब दो वस्तुओं के बीच का अंतर मिटा के दोनों को बिल्कुल एक कर दिया जाता है तो इसको अभेद कहते हैं। और इसीलिए मैंने लिखा हुआ है अभेद आरोप ही रूपक, आप आगे लगा लीजिए है।
या भेद रहित आरोप को ही रूपक कहा जाता है। और जहां पे जिस किसी काव्य में इस तरह का वर्णन मिले उसे हम रूपक अलंकार के नाम से जानते हैं। जैसे आप एक किसी भक्त ने कहा चरण कमल बंधो हरि राई, अर्थात हे हरि हे विष्णु जी चरण कमल, मैं आपके कमलवत चरणों को, आपके चरण कमल हैं, आपके जो चरण हैं प्रभु कमल हैं, कमल जैसे नहीं कमल हैं, जबकि चरण कभी कमल नहीं हो सकता और कमल कभी चरण नहीं हो सकता, फिर भी क्या बोला ये चरण कमल जो आपके हैं इनकी मैं वंदना करता हूं। हे हरि हे विष्णु जी मैं आपका एक तुच्छ सेवक, आपके इस इन चरणों की वंदना करता हूं जो चरण स्वयं में कमल हैं, जिनकी सुंदरता कमल के बराबर बराबर है। तो यहां सम इव इत्यादि नहीं, सम इव माने बराबर है तरह से हैं, ये अर्थ देने वाले शब्द नहीं आए, चरण कमल के बीच में कोई भी तुलना वाला शब्द नहीं आया, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार नहीं हो सका। और जब आपने चरण कमल बोल दिया तो तुलना करने वाले शब्द बीच में नहीं आए, यानी आपने उपमान को और उपमेय को दोनों के बीच का जो भेद था उसको आपने खत्म कर दिया, यानी अभेद हुआ। और अभेद आरोप किसने पे किया आपने, उपमान पर आपने, उपमेय पर आपने उपमान का आरोप कर दिया, यानी जो चीज प्रस्तुत है उस प्रस्तुत चीज पर अप्रस्तुत यानी पहले से जो प्रसिद्ध है उस चीज का आपने आरोप कर दिया। और जब ऐसा आरोप होता है तो वहां पे रूपक अलंकार माना जाता है, या उसे रूपक अलंकार से युक्त काव्य के नाम से जाना जाता है। और आगे देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण में मैंने लिखा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा जी की पंक्तियां हैं, मीरा जी बड़ी गदगद होकर के ये जो स्वरूप है काव्य का उसमें एक चीज लिखी हुई है। इसके रचनाकार उनके द्वारा ये लिखा गया है राम, राम शब्द जो मिला ईश्वर का जो नाम मिला वो रत्न है हीरा है, राम रतन वो राम का नाम जो है हमारे लिए हीरे जैसा है, हीरा बहुमूल्य होता है और राम नाम तो अमूल्य है। अमूल्य मतलब फ्री का नहीं फोकट का नहीं, ये नहीं अर्थ लगाइएगा अमूल्य माने फोकट का, ऐसा अर्थ नहीं लेना है। अमूल्य मतलब जिसका कोई भी मूल्य नहीं दिया जा सकता है। कबीरदास जी ने भी एक जगह कहा था कि हे गुरुजी आपने जो ज्ञान हमको दिया है अगर शीश काट लूं हाथ पे रख लूं और इसके बाद आपका मोल देना चाहूं तो मैं मोल नहीं दे सकता हूं, क्योंकि इस ज्ञान से ही मेरी सारी प्रसिद्धि है, इस ज्ञान से ही मेरा सारा सम्मान है। तो यहाँ पे क्या हुआ राम शब्द जो मिला इनको, भगवान का नाम का जो स्मरण इन्होंने किया, ये रत्न ही है। जिस तरह से रत्न बहुमूल्य होता है, व्यक्ति की गरीबी का नाश कर सकता है, व्यक्ति को खुशियों से युक्त कर सकता है धन के मामले में, वैसे ही राम शब्द के मिलने से, राम नाम का जाप करने से, ईश्वर की प्राप्ति होने से जो आनंद मिला वो रत्न के आनंद जैसा है। राम रतन के बीच में कोई तुलनात्मक शब्द नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाता है। और भी कुछ उदाहरण मिलेंगे वो भी देख लीजिए। बस बात इतनी है कि काव्य में जब दो चीजों की बराबरी की जाए उपमा अलंकार, अब बराबरी थोड़ा और बढ़ जाए रूपक अलंकार। जैसे जैसे कि आपके हाथ में गुनगुना पानी दे दिया जाए, सुबह सुबह आपने ब्रश किया फ्रेश हुए, फ्रेश करने के बाद आपको गुनगुना पानी दे दिया, मान लो मम्मा ने गुनगुना पानी दिया लो इसको पी लो, इसके बाद अब आप अपना जो भी अगर आप कसरत करते हैं तो वो कर लीजिए, घूमने टहलने जाते हैं तो वो चले जाइए। तो जब गुनगुना पानी मिला लेकिन गुनगुना के नाम पे मान लो वो पानी आपने बहन ने गर्म आपकी बहन ने गर्माया है और वो नहीं समझ पाई बेचारी, थोड़ा ज़्यादा गर्म कर दी, अब आप पकड़ेंगे जैसे ही पकड़ेंगे अरे इतना गर्म मुंह जलाना है क्या। तो जो आपने बोला वो पानी की गर्मी, पानी में जो हीट दी गई है गर्मी दी गई वो इतनी अधिक है कि ओंठों को जला सकती है, परेशान करके रख सकती है।
तो ये बात आपने कही, यानी पानी आग की तरह से जलाने में सक्षम है। एक बात तो ये हुई, यहां पे आपने पानी की तुलना आग से कर दी। लेकिन यदि वो गिलास पकड़ते ही आपके हाथ से छूट गया, यानी उंगलियां जल गई, पीने के बाद ओंठ जलने की बात तो दूर, उंगलियां जल गई, तब आप कहें अरे आग है या अग्नि जल है, यानी आपने जल को बिल्कुल आग ही समझा, जल पर आपने आग का आरोप कर दिया कि पानी दे रही कि आग दे रही है, तो हाथ जला दे रहा, तो मुंह में पीने के बाद क्या हालत होगी, क्योंकि हाथ की चमड़ी जो है मुंह की चमड़ी से तो ज्यादा ही कठोर होती है। तो जब आपने पानी पर आग का आरोप कर दिया, यानी पानी को ही आग मान लिया, जब आपने पानी को आग के रूप में प्रस्तुत कर दिया, पानी पर आग का आरोप कर दिया, तो वहां पे रूपक अलंकार होगा। जब पानी से आग की तुलना कर दी तो उपमा अलंकार होगा। आप लोग इस रूपक अलंकार को मेरे हिसाब से समझ चुके हैं। उपमा में आपको उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द चार चीजों की जरूरत थी। वही चार चीज लेके आप रूपक अलंकार में भी आएंगे। रूपक अलंकार में फर्क यही होगा, यहां पे बात आरोप की होती है। एक और चीज आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि इसी स्टेप में एक कदम और आगे बढ़ेंगे तो उत्प्रेक्षा मिलेगा। आपको जैसे ही अर्थालंकार पढ़ना होता है ये चार चीजें कंफर्म करनी। उपमेय, सामने जो चीज है वो, आप बाजार गए, बाजार जाने के बाद में आपको एक गुलदस्ता मिला, गुलदस्ता मिला, उसको आप देखते ही बोले अरे ये तो बिल्कुल रियल है, ये रियल जैसा है। जब आप बोले रियल जैसा है तो गुलदस्ता हुआ उपमेय, और असली फूल जो होते हैं वो हो गए उपमान, यानी ये है तो बनावटी लेकिन असली फूल के बराबर बराबर है। असली फूल हुआ उपमान, सामने का गुलदस्ता हुआ उपमेय, और असली फूल जैसा है वो, जो जैसा शब्द है वो हुआ वाचक शब्द, और दोनों में जो सुंदरता है, कोमलता है, वो हुई उन दोनों में व्याप्त साधारण धर्म। जैसे एक लाइन आती है, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय अरे अरे ये बच्ची तो फूल जैसी कोमल है, सामने दिखी एक छोटी सी लड़की जो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आपकी तरफ देख के मुस्कुरा दी है, अब आप उसको देखे बड़ा गदगद हो गए, दिल से खुशी निकली, आपने कहा अरे वाह यार बिल्कुल फूल सी प्यारी लग, बहुत क्यूट लग रही है। अब फूल जो है वो क्यूट लगने के लिए, प्यारा लगने के लिए पहले से ही जाना जाता है। एक नन्ही बच्ची जो बड़े स्माइली फेस के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हुई, वो जो सामने प्रस्तुत है वो हुई उपमेय, माने तुलना करने योग्य। आपने उसकी तुलना किससे की? फूल से की। फूल हुआ उपमान, जैसी शब्द हुआ वाचक शब्द, और दोनों में जो सुंदरता है, दोनों में जो कोमल भाव है, नाजुकपन है, अट्रैक्शन है, वो हुआ साधारण धर्म। इससे आप उपमा अलंकार को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जब उपमेय और उपमान को एक मान, यानी उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए, तुरंत वहां रूपक अलंकार हो जाता है। बच्ची फूल, पुष्प बालिका, लड़की फूल, लड़की पे फूल का आरोप कर दिया, जब आरोप होगा तो वहां रूपक अलंकार हो जाता है। आज के इस वीडियो में, वीडियो लंबा ना हो, इतना ही। एक और वीडियो जिसमें आपके लिए मैं उत्प्रेक्षा अलंकार लेके आऊंगा। उत्प्रेक्षा कहाँ हो जाता है? जब कह दिया जाता है कि बच्ची मानो फूल, कन्फर्म है बच्ची अलग है फूल अलग है, लेकिन कहा बच्ची मानो फूल, मानो शब्द आ गया, जानहु शब्द आ गया, मनु शब्द आ गया, मनु मानो, जनु जानो, मानहु जानहु इत्यादि शब्द के द्वारा जब तुलना होती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। यही इसका अंतर है। उत्प्रेक्षा अलंकार वाले में मैं फिर से इन चीज़ों को आपके सामने व्याख्या करूँगा। धन्यवाद।